आपका मंथन स्मार्ट क्लास पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमारी हैं ये काफ़ी एग्ज़ामों में लेकर आया करता है। इनकी स्थापना से लेकर और इनके अध्यक्ष से लेकर ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आज जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो सबसे बड़ी संस्था है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे ही आपको दो तीन वीडियो आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से काफ़ी एग्ज़ाम आया, एग्ज़ामों में क्वेश्चन बने रहते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक और अंत तक आप ज़रूर इसके रुके रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्या हो सके, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो सबसे बड़ी संस्था है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो संस्था हमारी कौन सी है। तो आप सबके सबको पता होगा कौन संस्था हमारी, यू एन ओ। ये क्या है, ये सबसे बड़ी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करनी है हमें। तो अगर हम देखे जाए कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, पहले से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे, इसके कार्य देखेंगे कि ये कार्य क्या करेगी। हालांकि इसके बाद में देखेंगे भाषा क्या है और इसके कितने अंग हैं, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यदि हम बात करें कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूएनओ, इसका कार्य ये होता है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना क्या होता है, इसका कर्तव्य होता है, कार्य होता है। और जो हमारी क्या होते हैं, मानवा जो अधिकार होता है, मानव के जो अधिकार होते हैं उसको ये क्या करता है, बनाए रखता है। और जो हमारी जो मानवीय सहायता है उसको भी ये क्या करता है, प्रदान कराता है लोगों तक। और साथ में क्या करेगा, इसका एक सबसे बड़ा और भी कार्य क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनको बनाए रखना भी इसका कार्य होता है। और साथ साथ में सतत विकास को आगे बढ़ावा देना भी क्या होता है, इसका कार्य होता है। तो ये हमारे मतलब कि चार पांच कुछ ऐसे कार्य हैं जो यूएनओ द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी कार्य है पूरे विश्व को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें तो इसकी बात आती है कि जो इसका जो स्थापना हुआ, ठीक है, जो इस पर अधिकार पत्र जब लाया गया 1944 में, अधिकार पत्र पर कितने लोगों और कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, मतलब हस्ताक्षरकर्ता देश के बारे में चर्चा करता है। तो हम बात करें तो यूएनओ अधिकार पत्र पर पचास देशों ने हस्ताक्षर किए। और ये जो अधिकार पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए, जो ये सम्मेलन बुलाया गया था वो सैन फ्रांसिस्को में बुलाया गया था। वहाँ पर क्या लगभग 50 देशों ने इस अधिकार पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, और एक नया संगठन बनाने की घोषणा हुई, वो क्या है, यूएनओ। जो 24 अप्रैल 1945 को जो हमारा द्वितीय जो विश्व युद्ध था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसको लगभग वो समाप्त हुआ, उसके बाद से इसकी स्थापना के कुछ लोगों ने या कुछ देशों ने क्या क्या इस पर चर्चा किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो पूरे देश के कई देशों को या पूरे विश्व के देशों को क्या कर सके, उनको वो सुरक्षा प्रदान कर सके। तो अगर इसके हम बात करें, ये तो हो गया हमारा 50 देश जो हस्ताक्षर करता थे। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो जो स्थापना की बात आती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी है कि इसकी स्थापना करोगे, तो स्थापना अगर की बात करें तो स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई, स्थापना हुई, यानी इस्टेब्लिश हुआ ये। और इसके साथ में अगर मुख्यालय भी पूछ लेता है, हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें, तो जो ये मुख्यालय है इसका क्या है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, यानी यूएसए, यानी अमेरिका।
तो ये क्या है कि ये तो नॉर्मली एक बात रही कि मतलब जितना पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि मतलब यूनाइटेड नेशन के जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं इससे लेकर। और अगर बात करें कि यूएनओ जो हमारी है, यूएनओ में क्या होता है, कुछ हमारी भाषाएँ भी होती हैं, क्या होती हैं, भाषाएँ भी होती हैं जो इनके कार्यकार कामकाज होते हैं। और अगर हम भारत बात करें भारत को लेकर, तो भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें जो शामिल होने की बात करेंगे तो भारत इसमें 1945 में शामिल हुआ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारा भारत भी क्या है कि 50 हस्ताक्षरकर्ता देशों में से एक है। यानी कि हम बात करें यूएनओ की जब स्थापना हुई तो उसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, उसमें से भारत भी क्या था, शामिल था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत कब शामिल हुआ, इसका सदस्य कब बना, तो कब बना, तो 1945 में बना। कब 1945 में, ये याद रखेंगे। अगर देखें कि यूएनओ में टोटल मेंबर इस समय कितने हैं, यूएनओ में सदस्य संख्या वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या इस समय हो चुकी है वो है 193। कितना, 193। 193 देश क्या हैं, इसके सदस्य हैं। और जो लेटेस्ट बात करें कि जो लेटेस्ट इसके सदस्यता प्राप्त किया है वो कौन सा है, 193 नंबर का जो है, 193वां जो देश है वो आपका है दक्षिण सूडान। तो ये सबसे क्या है, नवीनतम इस सूची में शामिल होने वाला, यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करने वाला सबसे नवीनतम देश है, इसको भी याद रखेंगे। फिर इसके बाद में चर्चा होती है कि इसमें जो यूएनओ है, यूएनओ में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किन किन भाषाओं में क्या होता है, कार्यकाज होता है। तो अगर हम भाषाओं के पे चर्चा करें कि भाषाएं या भाषा कौन कौन से है, तो भाषा में जब देखेंगे तो केवल जो कार्य करने की जो कार्य संचालन होता है, कार्य का संचालन केवल दो ही भाषाओं में होता है, वो है आपके कौन सी, एक तो अंग्रेजी और दूसरी भाषा आपकी है फ्रेंच। ये दो भाषाओं में क्या होता है, अधिकतर कार्य संपन्न कराए जाते हैं, जबकि हमारे चार अन्य भाषाएं उनमें भी कार्य संपन्न कराए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो यूएनओ में कुल मिला के कितने भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कुल टोटल 6 भाषाओं का क्या प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि चार वो अन्य कौन कौन से जो भाषा हैं जो वैकल्पिक रूप पर रखे जाते हैं, तो वो हमारे भाषा के रूप में आएंगे, एक तो स्पेनिश, फिर इसके बाद में चीनी, फिर इसके बाद में रशियन, और लास्ट में आएगा आपका ये स्पेनिश हो गया, चीनी, रशियन, और एक आपका जो एज लास्ट का वो आपका है अरबी, जो लास्ट का है आपका इसमें अरबी। तो ये हमारी क्या चार भाषाएं हैं जो वैकल्पिक रूप पे रखे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कितने हैं भाषाएं हमारे लैंग्वेज जो यूज किए जाते हैं, तो 6। तो जो दो कार्य संदर्भ में होते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, और 4 हमारी ये वैकल्पिक रूप हैं। तो ये हमारी भाषाओं को आप याद रखिएगा यूएनओ की। फिर इसके बाद में इसे चर्चा की जाती है कि जो यूएनओ के जो अंग, यानी कि इसके यूएनओ के कितने अंग हैं, यूएनओ की हम बात करें कि यूएनओ के अंग कितने हैं, यूएनओ के अंग के रूप में हम बात करें तो अंग इसके कितने हैं, 6 हैं। हालांकि क्वेश्चन बन चुका है कि यूएनओ के कितने अंग हैं, तो कितने, 6 हैं। वो देखिए 6 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें एक तो आपका महासभा, फिर इसके बाद में सुरक्षा परिषद,
सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर उसके बाद में फिर इसके चौथे नंबर पे आ जाएगा न्यास परिषद। कहीं कहीं प्रन्यास भी मिलता है, कहीं कहीं न्यास भी मिलता है, न्यास परिषद। और फिर पांचवें नंबर पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट का है सचिवालय, छठे नंबर पे है सचिवालय। तो ये हमारे क्या है, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके क्या है, छह अंग है। इन छह अंग के बारे में एक एक पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या है और इनकी क्या भूमिका है यूएनओ में। तो ये इनके छह अंग है, तो आप देखेंगे पहला याद रखेंगे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट का है सचिवालय। तो इसमें हम चर्चा करें जो हमारी महासभा है, देखते हैं उसका क्या कार्य है और सुरक्षा परिषद इसका कार्य क्या है। चलिए ये देखते हैं। पहले नंबर हमने देखा क्या, महासभा। महासभा, इस महासभा में जो टोटल मेंबर हैं, जितना यूएनओ में है उतने यहां पर हैं। और हर देश के, अगर बात करें कि हर देश का मतलब ये होगा कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं, हर देश के सदस्य क्या करते हैं इस महासभा में, क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करते हैं यानी बैठकों में भाग लेते हैं। बस यही कारण है कि महासभा को हम लोग कहते हैं विश्व का लघु संसद। और आज एक क्वेश्चन कि विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, तो महासभा का, महासभा को विश्व का लघु संसद। तो याद रखेंगे कि जो हमारा विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे किसको, महासभा का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 193 देश जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, इनकी बैठकों में भाग लेते हैं, इसकी वजह से इसे विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। जो महासभा होता है कि महासभा में एक अध्यक्ष भी चुना जाता है। इस महासभा में एक क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक ही इसमें क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। और ये होते हैं दोनों के दोनों, बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो एक वर्ष का होता है, एक वर्ष का होता है, इन दोनों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। और हम बात करें कि इसकी जो महासभा है इसकी मतलब फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो और कार्यों में देखा जाए तो नए राष्ट्रों की सदस्यता देना, नए जो नए राष्ट्र हैं उसमें अगर उनकी सदस्यता प्रदान करनी है यूएनओ को, तो वो कौन करेगा, तो महासभा ही करेगी। तो बात करें अगर फंक्शन की यानी कार्य की, तो इनके कार्य में दो बातें आप लिख सकते हैं क्या, कि नए राष्ट्रों को सदस्यता देना, सदस्यता प्रदान करना। तो नए राष्ट्रों की सदस्यता प्रदान करना इसका सबसे क्या है, इनका मेजर वर्क है कि उनको सदस्यता प्राप्त करता है। दूसरी हम बात करें तो दूसरा इनका कार्य जो होगा वो होगा क्या, इसका एक कार्य होगा इसमें दूसरा, कि महा, जो महा सचिव होता है, महा सचिव, तो महा सचिव की नियुक्ति, महा सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये महासभा द्वारा ही होता है। जो महासचिव जो होता है, ये सचिव कहाँ होता है, तो ये सचिवालय में होता है। और जबकि नियुक्ति कौन करेगा, तो महासभा के जो सदस्य होंगे 193 वो अपने में से क्या करेंगे, उन्हीं में से क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे महासचिव के लिए। तो ये क्या है, हमारा पहला अंग था यूएनओ का,
कौन महासभा, कार्य क्या है, आप देख सकते हैं कार्य क्या है, नए राष्ट्रों की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव की नियुक्ति, और महासभा में कितने देश हैं तो बताना 193 देश हैं, और इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, और कितने वर्ष का होलिए होते हैं तो एक वर्ष के लिए होते हैं। फिर देखिए अगला जो इसका अंग है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा जब देखेंगे तो सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, ये यूएनओ का क्या है, हमारा दूसरा अंग है। तो जो सुरक्षा परिषद है ये क्या करता है कि पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, खासकर इसको बनाए रखने का उद्देश्य होता है। और जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के लोग यहाँ पे होते हैं, एक तो स्थाई और एक होता है अस्थाई। तो अगर सुरक्षा परिषद की हम बात करें, यहाँ पे दो लोग होते हैं, दो प्रकार के कंट्रीज में शामिल की जाती हैं, एक तो होता है स्थाई, यहाँ पे दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो स्थाई सदस्य और एक होते हैं यहाँ पे अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य यानी इसमें टोटल 15 लोगों से मिलके बना होता है, 15 कंट्रीज से मिलके बना होता है, टोटल 15। और इस 15 में से देखा जाए तो 5 कंट्रीज जो हैं वो कैसी हैं, स्थाई सदस्यता प्राप्त है इनको, यानी कि परमानेंट ये मेंबर्स होते हैं, यानी पीएम बोलते हैं कभी कभी इसे हम, तो परमानेंट मेंबर्स कितने, 5। और जो 10 होते हैं इसमें, जो 10 मेंबर्स होते हैं, जो 10 देश होते हैं वो अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। स्थाई वाले में बात कर लें कि स्थाई वाले में कौन कौन से हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो चीन स्थाई सदस्य, फिर रूस भी इसका स्थाई सदस्य, और फिर इसके बाद में आपका ब्रिटेन भी इसका क्या स्थाई सदस्य है, फिर इसके बाद में आपका चीन है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, और लास्ट का आपका एक है कौन सा, यूएसए यानी कि अमेरिका। तो ये आपके 5 रहे स्थाई, जो काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि स्थाई सदस्य कौन कौन से हैं यूएनओ में, तो चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूएसए है। ये तो परमानेंट होते हैं, और जो अस्थाई सदस्य होते हैं, जो 10 होते हैं, ये क्या होते हैं कि प्रत्येक ये 2 वर्ष, इनका कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्ष का होता है, कितना, 2 वर्ष का। तो ये 2 वर्ष के होते हैं, जो हमारे 193 जो कंट्रीज़ हैं जो यूएनओ के क्या हैं सदस्य हैं, उन्हीं में से प्रत्येक दो वर्ष बाद हर देशों को एक मौका दिया जाता है क्या, अस्थाई सदस्य बनने के लिए, कहाँ, तो सुरक्षा परिषद में। आप यहाँ से सिर्फ इतना याद रखेंगे सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद क्या है, यूएनओ का दूसरा अंग है, और दूसरा अंग है जिसमें होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखना, और साथ साथ में क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी बढ़ावा देना। तो इसमें देखेंगे इसके दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थाई एक अस्थाई। स्थाई सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं, और अस्थाई कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी कि स्थाई सदस्य कौन कौन से हैं इसमें, तो चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। तो इसमें आप इतना याद रखिएगा सुरक्षा परिषद से लेकर। चलिए अगला जो तीसरा अंग है इसका यूएनओ का, वो है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो ये जिसका अंग है, इसका एक वर्ग होता है, खासकर क्या कि जो यूएनओ की जो आर्थिक कार्य होते हैं, जो मतलब आर्थिक स्थितियां हैं उसको देखने का कार्य जो सबके वो होता है, वो क्या होता है, सामाजिक परिषद के पास होता है। ये जो परिषद बनी होती है वो क्या होती है, जो हमारे स्थाई सदस्य होते हैं, स्थाई
सदस्यों से मिलकर, जो ये परिषद होती है वो स्थायी सदस्यों से मिलकर बनी होती है, यानी कि कह सकते हो कि इस परिषद में कितने मेंबर्स होते होंगे, तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। जो यूएनओ की जो आर्थिक कार्य विधियां हैं, जो गतिविधियां हैं आर्थिक, जो इकोनॉमिकल, वो कौन देखता है, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद देखता है। तो इसका सिर्फ इतना ही वर्क है वहाँ पर आर्थिक स्थिति को देखना। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो बस आप याद रखेंगे जो स्थायी सदस्य होते हैं वही इसमें मिलकर बनती है क्या हमारी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है, इतना है। फिर उसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, न्यास परिषद। जो हमारा न्यास परिषद है, ये जो न्यास परिषद की अब बात करें, तो ये न्यास परिषद का एक वर्क सिर्फ इतना है क्या कि जो अल्प विकसित या अविकसित या विकासशील जो देश हैं उनको क्या करता है, उनको सतत रूप से बढ़ावा देना इसका कार्य है। न्यास परिषद का क्या कार्य है, तो जो अविकसित अविकसित या विकासशील देशों का विकासशील देशों को सतत रूप से बढ़ावा देना, ये क्या इसका कार्य है। तो इसमें से जो आपको क्वेश्चन बनेंगे वो 2 ही 3 ऐसी क्या अंग होगा उससे बनेगा, और ये खासकर आते नहीं है, लेकिन क्या होगा 2 ही 3 ऐसी हमारी क्या अंग है जिससे क्वेश्चन आपको बना रहेगा, जो अभी लास्ट की वीडियो को लास्ट में बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो अगला है इसका जो वो है आपका कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी जो अगर मुख्यालय की बात करें कि मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय भी इसे लेकर कई बार क्वेश्चन ये बना हुआ है इससे, तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में, कहाँ है द हेग, द हेग नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो न्यायिक राजधानी है वो द हेग है, और जबकि नीदरलैंड की जो प्रशासनिक राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। तो ये मुख्यालय इसका कहाँ है, तो द हेग में है, इसको याद रखेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो निश्चित की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम की बात करें तो इसमें अधिकतम 15 न्यायाधीश हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 15 न्यायाधीश हो सकते हैं। और बात करें इनकी कार्यकाल की, कि इन न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल अवधि, कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 9 वर्ष होता है इनका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 9 वर्ष होता है। और कितने टोटल में होते हैं जजेस यहाँ पर, तो 15 होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, कार्यकाल 9 वर्ष होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे ये बातें कि 9 वर्ष है, थोड़ा यूनिक है, अलग है, तो इसमें आप वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है कि इसका कार्य क्या है, कि जब दो दोषों के बीच में कोई विवाद होता है तो उनकी जो मध्यस्थता का कार्य करता है, उनके विवादों को निपटारे का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय बाध्य नहीं होता है, अगर मानना है तो वो देश मान सकता है, ना मानना चाहे तो न मान सकता है, लेकिन बाध्यकारी निर्णय नहीं होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये हमारा क्या था, 5वें नंबर का था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये यूएनओ का 5वां अंग। फिर इसके बाद देखेंगे 6ठा जो इसका पार्ट है, अंग है, वो आपका कौन सा लास्ट का, वो है सचिवालय। सचिवालय, ये सचिवालय है, सचिवालय का सिर्फ इतना काम होता है कि जो यूएनओ की जो दैनिक कार्य होते हैं, यानी रोज के जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उनकी जो निगरानी करता है, जो उनका कार्यों का निपटारा करता है, वो कौन करता है, तो सचिवालय ही करता है। बात करें इसकी कि मतलब कार्य क्या हैं, तो यूएनओ का
यूएनओ में प्रतिदिन होने वाले कार्यों का निपटारा करना, निपटारा करना। फिर इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे कि इसका जो इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें क्या, इसमें सचिवालय में क्या होता है, एक अध्यक्ष होगा और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसमें क्या होगा कि एक इसमें क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होता है इसमें, और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की हम बात करें, इस अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा, तो कार्यकाल की हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल होगा वो कितने का होगा, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का इसका क्या होगा, कार्यकाल होगा। और इसके जो अध्यक्ष होता है, इसकी जो जो की जाती है, नियुक्ति की जाती है, वो सुरक्षा परिषद के सलाह पे की जाती है इसकी नियुक्ति, और कौन करता है, तो महासभा करता है, महासभा द्वारा की जाती है। तो इसका कार्यकाल कितने, 5 वर्ष का होता है। और हम बात करें कि सर्वप्रथम, ठीक है, ये सचिवालय के जो महासचिव रहे, ठीक, ये अध्यक्ष जो होता है वही महासचिव कहा जाता है। तो यूएनओ का प्रथम महासचिव की बात करें कि प्रथम महासचिव, तो इन्हें याद रखिएगा, जो प्रथम महासचिव रहे वो कौन, त्रिगवेली। त्रिगवेली। और बात करें कि भारत में जो एक बहुत ही बड़े क्या है, व्यक्ति हैं, वो कौन है, कि अगर पूछा जाए कि महासभा या यूएनओ, यूएनओ के प्रथम महिला पूछे, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये यूनियन के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जो नाम आएगा वो आएगा विजय लक्ष्मी पंडित का। कौन, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, या आप ये भी कह सकते हो कि भारत के ये प्रथम, मतलब पहले व्यक्ति के रूप में, ठीक है, जो यूएनओ के महा जो सभा है वहाँ के अध्यक्ष बने, तो वो कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। या महिलाओं, महिला के रूप में बात करें तो यूएनओ की एक केवल महिला है जो अध्यक्ष पद पर ये क्या हुई, निर्वाचित हुई, ठीक, बनी रही। तो ये आप याद रखेंगे, जो हमने आज जो कवर किया है यूएनओ को, ठीक है, इसमें सारा कुछ हमने कवर किया है। यहाँ से जो भी कुछ आने वाला होगा वो सब कुछ यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ का नहीं आएगा। तो ये वीडियो को आप क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मानेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही रहते हैं। और फिर इसके बाद में आगे के हम लोग और ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे आपको और क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो चलिए फिर, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, और आगे हम और कंटिन्यू वीडियो करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।